नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि प्रोग्रेस लाइन क्या होती है, कैसे हमारी तरक्की होती है और ये लाइन कहाँ पे होती है। जीवन में ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं, इनको बहुत बारीकी से या माइन्यूटली देखना चाहिए, तब हम उनको जान पाएंगे कि प्रोग्रेस लाइन कैसी होती है। प्रोग्रेस लाइन को ऑफशूट लाइन भी बोलते हैं। ये हमारे जीवन में कई बार होता है कि छोटी छोटी होके बहुत सारी निकलती हैं और ऐसे लोगों को ये लगता है कि उनका काम बगैर कुछ किए जैसा जो सोचते हैं वो अपने आप पूरा हो जाता है। छोटा छोटा धन या बड़ा बड़ा धन, अचानक धन लाभ, ये सब उनको होता ही रहता है। अब ये हम बताते हैं कि ऑफशूट प्रोग्रेस लाइन कहाँ पर होती है। ये हमारी आपकी जीवन रेखा हो गई। जीवन रेखा को लाइफ लाइन भी बोलते हैं। यह शुक्र के पर्वत को कवर करती है और प्लस मंगल के पर्वत को भी कवर करती है। मित्रों, अगर यहाँ से इस तरह की कोई रेखा निकली हुई है, इस रेखा को ऑफशूट लाइन बोलते हैं या प्रोग्रेस लाइन बोलते हैं। ये जिस एज में होगी उस एज में आपको धन लाभ तो होना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। वैसे इसमें कोई ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। अगर कोई यहाँ से यू निकले, इसका मतलब है कि ये ऑफशूट या प्रोग्रेस लाइन है, लेकिन इसका खास बात क्या है, ये जीवन रेखा को काट के निकल रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपके जीवन में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी और उस प्रॉब्लम से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और फिर उसके बाद आपको सफलता मिलेगी। इसके दो कारण हो सकते हैं, या तो आपके जीवन में कोई बीमारी या एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हो सकता है, या आपके किसी करीबी की मृत्यु वगैरह हो सकती है या उसकी बीमारी वगैरह से परेशानी हो सकती है। लेकिन उसके बीमारी के ठीक होते ही जस्ट आपको बहुत बड़ा धन लाभ होने वाला है, ये पक्का समझ लीजिए। और अगर इसमें कहा जाए कि कोई आपकी राहु रेखा अगर पतली सी निकली हुई काट रही है, यहाँ से ये निकली हुई ये काट रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई कोर्ट कचहरी का केस हो सकता है, या कोई अपयश लग सकता है, या छोटे मोटे कोई सामाजिक परेशानियाँ आ सकती हैं जिनकी वजह से आपका मन परेशान होगा, मस्तिष्क परेशान होगा और आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगी। लेकिन जैसे ही वो राहु की रेखा काटते हुए ऊपर निकल रही है, आपको दिखा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस जीवन काल में आपको धन लाभ योग होना ही होना है। इसके साथ में हम कैसे ये पता करें कि कोई प्रॉपर्टी का योग तो नहीं है, कोई आपका कार वगैरह तो लेने का योग नहीं है, कोई बड़ा वाहन या कोई बड़ी चीज़ लेने का योग तो नहीं बन रहा है। और ये आपकी ऑफशूट लाइन हो गई। और इस पे अगर कोई त्रिभुज या ट्रायंगल ये बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में ये जो प्रोग्रेस लाइन है, ये ऑफशूट लाइन है, ये बहुत कुछ देने वाली है, या तो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कोई देने वाली है और आप इसकी प्लानिंग भी नहीं किए होंगे और अचानक धन लाभ होगा, अपने आप पैसा आना चालू हो जाएगा और आपका काम बनना चालू हो जाएगा और आपकी प्रॉपर्टी या कार या प्रमोशन कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। इवन दो तीन साल पहले ही नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन अनायास ही अपने आप ही ये सारी चीज़ें आपके फेवर में होती चली जाएंगी और आपको ये सारी चीज़ें देती चली जाएंगी। मित्रों, इसके बारे में और भी बहुत कुछ बताया सकता है और हम आपको बताते हुए आ रहे हैं। अगर आपको हमारे और भी वीडियो देखने हैं तो आप हमारे फेसबुक चैनल पर जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, लिंक्डइन पर जा सकते हैं और यूट्यूब पर जा सकते हैं। मित्रों, अगर आपको हमारे ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए और बेल आइकन को बजाइए, जिससे आपको हमारे जो नए वीडियोज़ आते हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे हम बढ़ते हैं। मित्रों, अगर ये ऑफशूट लाइन धीरे धीरे, मान लीजिए इस एज में यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, तो ये मान चले तीन आपके जीवन में ऑफशूट या प्रोग्रेस लाइन पक्का आनी है। और कुछ लोगों में आपने देखा होगा ये इस तरह से निकलती रहती हैं। ऐसे जातकों में क्या होता है, जीवन भर उनको धन लाभ होता ही रहता है और उनके जीवन में कभी भी धन संपदा की कमी ही नहीं होती है। अब हम मित्रों बात करें, कुछ लोगों के हाथों में एक दो रेखाएं होती हैं, उनमें एक दो बार का योग होता है और कुछ में तो होती ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के बारे में तो डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब में होने के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं। लेकिन जिन लोगों में होती है, वो लोग अपने आप को बहुत ही धनी या बहुत ही किस्मती या बहुत ही लकी माने। मित्रों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।